यस बच्चों, आज अपन दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, और दूसरा है समविभव पृष्ठ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता दूरी के साथ, दूरी के विभव में परिवर्तन विभव प्रमणता कहलाती। ठीक, तो दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है। इसको मैं dv अपॉन dx से शो करता हूं। ठीक है, इसकी इकाई वोल्ट, विभव की यूनिट वोल्ट, दूरी की यूनिट मीटर है। ठीक, तो ये मैं इसको यहां पर लेकर एक संबंध डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र एवं दूरी प्रवणता में संबंध। ठीक, ये अपन यहां पर ले रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज करिए किसी बिंदु पर एक विभव क्यू है। इसके होता विद्युत क्षेत्र के ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूं, एक ए ले लेता हूं, एक बी ले लेता हूं। इसकी यहां से होता दूरी एक्स के इक्वल है, और बी की यहां से दूरी एक्स प्लस डी एक्स है, बहुत पास पास है। इसलिए दूरी को मैं काहे से शो कर रहा हूं, डी एक्स से शो कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पर लेके चलूं तो ये डी एक्स के इक्वल हो गया। ठीक, अब आप देखिए, ये आवेश है, ये बिंदु बी है, तो यहां पर इसके विभव को मैं वी से शो कर देता हूं, और बी के विभव को मैं यहां पर वी प्लस डीवी से शो कर देता हूं। इसका मतलब है इनके बीच का v, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। मान लो a और b दो बिंदु हैं, क्योंकि बिंदु a q के पास है इसलिए इसका विभव ज्यादा होगा, तो इसके विभव को v प्लस dv से शो कर दे रहा हूं। एक v का विभव कम होगा क्योंकि यह वी आवेश क्यू से दूर है, तो इन दोनों के बीच की विभव में परिवर्तन कितने के बराबर होगा? डीवी के मान के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए, बिंदु ए की यहां से दूरी एक्स, बिंदु बी की यहां से होता दूरी कितनी है? एक्स प्लस डी है। क्योंकि बिंदु ए क्यू के पास है इसलिए इसका विभव बी की तुलना में ज्यादा होगा, और मान लीजिए ये कितना है, ए का विभव वी प्लस डीवी है, और बी का विभव कितने के बराबर है? वी के बराबर है। तो मैंने यहां पर मान लिया वी ए बराबर वी प्लस बीवी, और बीवी बराबर कितने के इक्वल हो गया हमारे पास? वी के इक्वल। इसलिए वी ए माइनस वी बी, इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करके देख लीजिए। सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा
डीवी के इक्वल, समीकरण नंबर एक। मान लीजिए एक आवेश आप क्यू नॉट को इधर पर लेके आ रहे हैं, एक क्यू नॉट, क्योंकि ये आवेश क्यू है इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर पे लगेगी, और जब आप लेके आएंगे तो आपको यहां पर इसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य को मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने मान लीजिए कि माना आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी से लेकर ए तक लाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेकर लाया जाता है तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसलिए मैं किए गए कार्य को कैलकुलेट करता हूं। पॉज करके इसको नोट करिएगा। इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल एफ लग रहा है, ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है डीएक्स, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, मैं इधर आ रहा हूं, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा कॉस 180 डी डब्ल्यू। एफ बराबर कितना आता है, इस आवेश पर लगने वाला बल, तो कितना जाएगा क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स। ये मेरे पास यहां पर इतनी कंडीशन यहां पर कैलकुलेट हो जाती है, ठीक, विथ कॉस 180 माइनस 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है, यह इसके लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा, क्यों, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। ये मेरे पास कितने के इक्वल है, मैंने अब भी क्या निकाल लिया, डी वी के इक्वल निकाला था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये कितने के इक्वल हो गया डी वी, या इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, ये मेरे पास कितने के इक्वल हो जाएगा, वी ए वी प्लस डी वी, वी के पोटेंशियल वी प्लस डी वी, वी वी का पोटेंशियल वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट निकल आ गया, अगर मैं इसको देख के चलूं तो मेरे पास रिजल्ट ये निकलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें एक संबंध निकल गया, E इक्वल टू माइनस डी वी कॉन डी एक्स, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अब आप तो देखिए यहां पर दैट इज इक्वल टू डी एक्स। अब आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी मैं वेक्टर लगा सकता हूँ, इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, विभव तो आपके पास
स्केलर या अदिश है, लेकिन विभव प्रवणता कैसी राशि हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। इसी कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक नई यूनिट भी निकलती है, वी का यूनिट क्या आ जाता है? वोल्ट। और डीएक्स यानी दूरी का यूनिट कितना जाता है? मीटर। तो इस पूरे की यूनिट कितनी निकल आती है? वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ जाती है। और याद रख लीजिएगा, ये डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको फिजिक्स में केवल एक ही रिलेशन देता है जो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताता है। तो पॉज कर करके आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सम विभव पृष्ठ, देखिए क्या आ गया, किसी आवेश के चारों ओर के वे काल्पनिक सममित पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है। देखिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ जहां पर विभव का ये सममित है, सममित यानी सिमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा ये सिमेट्रिकल है ना, इसको मैं लिख देता हूं सममित पृष्ठ। पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लो एक मैं बिंदु आवेश करूं तो उसके चारों ओर बहुत सारे गोले खींच देता हूं, ये, तो ये सब क्या कहलाते हैं? समविभव पृष्ठ कहलाते हैं, सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक, एक एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, तो इसमें मैं अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे होते पृष्ठ खींच दूं तो ये भी क्या कहलाते हैं? समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अगर ये आवेश है तो बल रेखाएं ऐसे हो तो जाती हैं, क्योंकि मैं प्लस क्यू आवेश को लेकर चल रहा हूं, तो देखिए मेरे पास कैसा हो गया, ये बल रेखाएं यहां से निकलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, एक आवेश इसके चारों ओर के समान पृष्ठ जहां पर बल रेखाएं निकलती हैं और विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। ये काट आट नहीं रही है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो अपने आप ले लेता है, इसलिए ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, टूअर्ड द चार्ज, ये क्या कहलाते हैं? समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देख लीजिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, सम विभव पृष्ठ की विशेषताएं, नंबर वन, सम विभव पृष्ठ पर विभव का मान समान
देखिए समविभव वो पृष्ठ वो होते हैं जिस पर विभव का मान कैसा होता है, संभव समान होता है। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन ही है। दूसरा, अब भी मैंने आपको क्या बताया, अगर एक बिंदु आवेश है इसके सामने पृष्ठ खींचिए तो बल रेखाएं इसके लंबवत निकलती हैं, तो है ना, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। एक तीसरा, यहां पर मेरे पास कोई भी ये पृष्ठ खींच दूं तो ये एक दूसरे को काटते नहीं है, तो ये आ जाता है सम विभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। एक खास करके इनको लिख लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहां पर है वो है फोर्थ, एक आवेश को संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या गया कार्य शून्य होता है। इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक संभव पृष्ठ है इस क्यू आवेश के कारण, इस पर विभव का मान वी ए मान लो, इस पर बी वी मान लो, यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, तो V इक्वल टू कितना आता है यहां पर विभवांतर, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि इस पर विभवांतर मेरे पास वी ए माइनस वी बी। विभवांतर की डेफिनेशन से क्या हुआ, कार्य अपॉन आवेश। अब चूंकि इस पर विभव का मान समान होता है इसलिए वी ए माइनस वी ए इक्वल टू वी बी, इसलिए ये 0 के इक्वल हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट, इसलिए किया हुआ कार्य W इक्वल टू कैसा जाता है, 0 हो जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस या संभव पृष्ठ। तो इनको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन धारिता को स्टार्ट करते हैं।